हेलो एवरीवन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम प्रोपोजिशंस का टॉपिक कवर कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्रोपोजिशंस क्या होती हैं और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देखा था कि कौन से सेंटेंस प्रोपोजिशन है कौन से नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स बेसिकली क्या हैं, दीज आर द वर्ड्स फ्रेजेज और कनेक्शन जिनको हम लिंक्स भी बोल सकते हैं एंड दे आर यूज टू कम्बाइन टू और मोर सेंटेंसेस। जैसे कि हम बोल सकते हैं दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज़ द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमने क्या करा, दो सेंटेंस दिल्ली कैपिटल है मुंबई फाइनेंस कैपिटल, इन दोनों को जोड़ दिया किससे, एंड ऑपरेटर से, एंड कनेक्टिव से। तो इस तरह के कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन करने के, उनको जोड़ने के काम में आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हमने सिंबल्स एंड नोटेशंस के टाइम पर देखा था कि क्या होता है। डिसजंक्शन आपका होता है और। तो क्या है ये, इट इज़ पी और क्यू, या फिर हम इसको इस वाले सिंबल से भी डिनोट करते हैं जो और का सिंबल है, डिसजंक्शन का सिंबल। अब हमें इसकी बनानी है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल देखो, पी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सिंपल है, जैसे बूलियन अलजेब्रा में बनाया होगा आपने वैसे ही है। क्यू की वैल्यू हो सकती है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये इन दोनों सेंटेंसेस की ट्रुथ वैल्यू के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने लिखे हैं। अब और क्या कहता है, और कहता है कि अगर कोई भी एक ट्रू है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे तो दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, एक ट्रू है तो ट्रू होगा, एक ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। सो और सिंपल क्या कहता है, और कहता है कि इट इज़ फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द सेंटेंसेस आर फॉल्स। सो आउटपुट इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ पी क्यू आर फॉल्स। बिल्कुल सेम है जैसे हमने बूलियन अलजेब्रा के टाइम पे देखा था, सेम वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो ये होता है डिसजंक्शन, दैट इज पी और क्यू। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन को हम लिखते हैं, देखते हैं कि कैसे करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन डिसजंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने लिखा है कि पी एक स्टेटमेंट है कि अरुण इज एन इंजीनियर, क्यू ए स्टेटमेंट है कि पुनीत इज टीचर। तो इन दोनों का जो डिसजंक्शन होगा पी और क्यू, वो कैसे लिखेंगे हम। सो लिखेंगे हम इसका आंसर ऐसे कुछ, अरुण इज एन इंजीनियर और पुनीत इज अ टीचर, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस के ट्रू होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं कहता हूं कि ये वाला सेंटेंस अरुण इज एन इंजीनियर ये ट्रू है और ये सेंटेंस पुनीत इज अ टीचर ये भी ट्रू है, तो क्या ये कंबाइंड सेंटेंस ट्रू होगा। यस, अगर मैं कहता हूं कि ये ट्रू है और पुनीत टीचर नहीं है, तो क्या ये कंबाइंड सेंटेंस ट्रू होगा। यस, क्योंकि यहां पे हम और लिख रहे हैं कि ठीक है ये ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, जब ये दोनों फॉल्स हैं कि अरुण इंजीनियर नहीं है और पुनीत टीचर नहीं है, तो हम कहेंगे ये दोनों सेंटेंस हमारे फॉल्स हैं, तो कंबाइंड सेंटेंस भी हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। सो दिस इज डिसजंक्शन, सिंपल और ऑपरेटर जैसे अपने बूलियन अलजेब्रा में किया होगा बिल्कुल ऐसे ही है ये। देन आती है बात कंजंक्शन की। एंड ऑपरेटर होता है, डिनोट करने का सिंबल ये वाला है इसका। ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी, सो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और एंड में हमें पता है कि रिजल्ट कब ट्रू होगा, जब आपके दोनों जो सेंटेंस है वो ट्रू होते हैं। सो यानी यहाँ पे जब ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू होगा, बाकी सब में ये फॉल्स होगा, ठीक है। सो ये एंड ऑपरेटर है, बेसिक एंड ऑपरेटर है। एंड इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दिस इज ट्रू Only when P, Q are true, ठीक है। So this is conjunction. Now let us see a question on conjunction. मैंने यहाँ पे गलती से disjunction लिख दिया, ये conjunction है यहाँ पे। So this is a question on conjunction. We have to find the conjunction of the prepositions P and Q, where P is today is Monday. P सेंटेंस क्या है कि आज मंडे है, टुडे इज मंडे, एंड Q क्या है, इट इज़ रेनिंग टुडे। अब इन दोनों का हमें कंजंक्शन बनाना है, तो क्या लिखोगे, टुडे इज मंडे
एंड इट इज रेनिंग टुडे. ठीक है, सो ये कब ट्रू होगा, जब दोनों आपके जो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं वो ट्रू होंगे, तभी ये पूरा ओवरऑल ट्रू होगा. सो दिस इज कंजंक्शन. देन बात करते हैं नेगेशन की. सिंपल होता है, नॉट ऑपरेटर है ये. इसको डिनोट करने के लिए हम इस तरह से डिनोट करते हैं. किसी प्रपोजिशन के आगे आपको एक ऐसा टिल्ड सा साइन बनाना होता है. एंड इट गिव्स द स्टेटमेंट विच इज ट्रू ओनली व्हेन पी इज फॉल्स. अपोजिट है, सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारे पास पी है, ये इसका नेगेशन है, तो उल्टा होगा ना, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा. ये सिंपल इसकी ट्रुथ टेबल बन जाती है. जैसे कि अगर मैं एक प्रपोजिशन लेता हूँ, नेहा इज अ गुड गर्ल, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, नेहा इज नॉट अ गुड गर्ल. सिंपल, उसका उल्टा कर देना हमने. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द लॉजिकल कनेक्टिव्स. अभी हमने तीन बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे हैं, और एंड नेगेशन नॉट. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें हम बात करेंगे इफ देन की. देन वी विल सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल इजी इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.